नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे स्त्री विमर्श और दलित विमर्श से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं, कुछ प्रमुख कहानियां, कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके रचनाकार। आज जो मैं लिस्ट लेकर आया हूं, ये प्रायः परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जो प्रायः अधिकांश परीक्षाओं में भारत के पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप विधिवत रूप से याद कर लेना है। एक बात और कहना चाहूंगा, जब ऐसा कोई आप नोट्स बनाते हैं तब उसका ब्रैकेट में आप प्रकाशन वर्ष जरूर लिख लें। साथ ही आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है वह जोड़ी मिलाने वाला अधिक आता है। एक तरफ रचनाकार का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम दे देंगे, या फिर बाएं तरफ क्या रहेगा, रचनाओं का नाम रहेगा, राइट साइड में आपको रचनाकार का नाम, उनका जोड़ी मिलाना होता है। इसलिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो किसी भी उपन्यास में अथवा किसी भी कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, वह रचना कब प्रकाशित हुई थी, उसकी विषय वस्तु क्या है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तब आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज का जो मेरा लिस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिन रचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं उनको प्रायः परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महिला कथाकारों की प्रतिनिधि कहानियां अथवा उनके कहानी संग्रह। कृष्णा सोबती, इनकी रचनाएं हैं, कहानियां हैं मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया और यारों के यार। मन्नू भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, रानी मां का चबूतरा। मनु भंडारी जो है राजेंद्र यादव जी उनकी पत्नी थी, बाद में उनका डिवोर्स हो गया था, अलग रह रहे थे। और यही सच है जो इनकी कहानी है, यही सच जो कहानी है, इस पर एक फिल्म बनी है रजनीगंधा, है ना, रजनीगंधा नाम की फिल्म इनकी इसी कहानी पर आधारित है, यही सच है। उषा प्रियंवदा, इनकी कहानियां हैं वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल। ममता कालिया जी की कहानियां हैं बोलने वाली औरत, मुखौटा और उसका यवन। मृदुला गर्ग जी की कहानियां हैं डेफोडिल जल रहे हैं, समागम, मेरे देश की मिट्टी आ। चित्रा मुद्गल जी की कहानियां हैं लाक्षागृह, इस हमाम में एवं 11 कहानियां, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। राजीव सेठ जी की कहानियां हैं अंधे मोड़ के आगे, तीसरी है थैली और गवे हयात ने मारा। मंजुल भगत जी की कहानियां हैं आत्महत्या से पहले, सफेद कौवा और अंतिम बयान। मेहरुन्निसा परवेज जी की कहानियां हैं आदम और हवा और टहनियों पर धूप। मैत्रेय पुष्पा जी की कहानियां हैं चिन्हार, ललमुनिया और गोमा हस्ती है। ये सभी कहानियां प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको याद करना है अच्छी तरह से। नासिरा शर्मा, खुदा की वापसी और दूसरा ताजमहल। अभी तक हमने देखे कहानी और कहानी संग्रह, अब हम पढ़ेंगे महिला कथाकारों के प्रसिद्ध उपन्यास। नासिरा शर्मा जी की रचनाएं हैं सात नदियां एक समंदर और अक्षयवट। मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास हैं बेतवा बहती रही, इदन्नमम, अचाक और अलमा कबूतरी। अलका सरावगी की रचनाएं हैं उपन्यास हैं कली कथा वाया बाईपास और शेष कादंबरी। मृदुला गर्ग जी के उपन्यास हैं चित्त कोबरा और कठ गुलाब। इसके बाद मंजुल भगत जी की के उपन्यास हैं अनारो। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। चंद्रकांता का प्रसिद्ध उपन्यास है कथा सतीसर। ममता कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। राजी सेठ तत्सम। चित्रा मुद्गल के प्रसिद्ध उपन्यास है आवा और एक जमीन अपनी। प्रभा खेतान का प्रसिद्ध उपन्यास है पीली आंधी। कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा और दिलो दानिश। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी और महाभोज। आपका बंटी में पति पत्नी के बीच जब तलाक हो जाता है तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। और महाभोज जो है
इसका विषय वस्तु राजनीतिक है। नमिता सिंह का उपन्यास है अपनी सलीबें, स्त्री विमर्श से संबंधित कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके लेखक लेखिका देखते हैं। स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास है ये। आगे जो हमने देखा, पहले जो देखा था वह महिला कथाकारों की रचनाएं, उपन्यास और कहानियां थी। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, वसंती भीष्म साहनी, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, बिना दरवाजे का मकान रामदर्श मिश्र, एक जमीन अपनी चित्रा मुद्गल, बेतवा बहती रही मैत्रेयी पुष्पा। और अन्य प्रमुख उपन्यास है स्त्री विमर्श से संबंधित, थकी हुई सुबह रामदर्श मिश्र, कीर्ति कथा कश्मीरी लाल, चाक मैत्रेयी पुष्पा, रंगी हुई चिड़िया धर्मेंद्र गुप्त और अपनी सलीबे नमिता सिंह। ये सारी रचनाएं वो रचनाएं हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनका मैंने एक जगह संकलन किया हुआ है। दलित विमर्श से संबंधित कुछ प्रमुख कहानी संग्रह उनके कहानीकार, रक्त बीज, सत्य प्रकाश, दृष्टिकोण, अरविंद राही, सलाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श अथवा दलित चेतना के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, बहुत महान राइटर हैं। चार इनकी कलम कुसुम योगी, सुरंग, दयानंद भट्टरोही, आवाजे, मोहनदास नैमिषराय, ये भी बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं दलित विमर्श अथवा दलित चेतना के। दलित विमर्श से संबंधित कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यासकार, जस तस भई सवेर, सत्य प्रकाश, ये सभी राइटर फेमस हैं। छप्पर, जय प्रकाश करदम, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि और मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय। तो ये जो विभिन्न परीक्षाओं में जो अभी तक जो पूछे गए प्रश्न हैं और ये बहुत प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, उनका मैंने एक जगह कलेक्शन कर दिया है, संकलित कर दिया है, ताकि परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं जोड़ी बनाने को तो आप जोड़ी बना सकेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इन रचनाओं के ब्रैकेट में आपको इनके प्रकाशन का वर्ष लिखना है, क्योंकि आजकल यह भी पूछा जाता है कि कौन रचना पहले प्रकाशित हुई थी, कौन रचना बाद में प्रकाशित हुई थी, या फिर प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करिए, पात्रों के साथ सुमेलित करिए, या फिर इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। इस प्रकार की रचनाएं आजकल आती हैं, आजकल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता कि इसके लेखक कौन है, इसके कवि हैं, इस तरह का प्रश्न का चलन आजकल नहीं है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यदि आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, साथ ही अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।